सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता होने वाली है और किसी भी तरीके का एक छोटा सा समूह है जो इस चीज को चिल्ला रहा है ग्वालियर में, जो इंदु महासभा के, लेकिन उनके ऊपर भी पुलिस वालों ने उनसे भी बात करी है, उनकी भी मीटिंग हुई है आपस में। ये ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, इसके बीच में राजनीति को घसीटने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 14 साल बाद क्रिकेट के दौरान चौके छक्के लगते हुए आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि हिंदू महासभा ने भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले T20 मुकाबले का विरोध तेज कर दिया है। हिंदू महासभा का कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसके देखते हुए ग्वालियर में ये मुकाबला नहीं होना चाहिए और पिच तक पौधे जाने की बात कही जा रही है। साथ ही हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का भी आह्वान किया है। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ग्वालियर में क्रिकेट फैंस भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबले का मजा ले सकेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MPCA के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी मौजूद हैं। सर, तैयारियां हो गई, 1 घंटे के अंदर 30,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए, लेकिन मुकाबले को लेकर जो संशय है, क्या मुकाबला होगा? जीता है निश्चित रूप से होगा, उसके 2-3 कारण हैं। आप समझिए कि पिछले दिनों जब चेन्नई में टेस्ट मैच हुआ इंडिया बांग्लादेश का, तो वहाँ पर बहुत निर्विघ्न रूप से ये मैच को सब लोगों ने देखा, हजारों की संख्या में लोग आए, और जो बांग्लादेश का टूर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC, BCCI, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड, इनके आपस की सहमति के बाद बहुत पहले से ये इसको कहते हैं डिसाइडेड था। दूसरी बात ये है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देती है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी बांग्लादेश को भारत में खेलने की, चेन्नई में मैच हुआ, दूसरी जगह मैचेस होने वाले, वहाँ कोई विरोध नहीं है, तो ग्वालियर में क्यों विरोध हो रहा है? तो इसके पीछे मुझे लगता है कि कुछ राजनीति हो सकती है स्थानीय, या किसी भी तरीके के लोगों का जो कहना है कि ग्वालियर में मैच नहीं हो तो ग्वालियर में मैच नहीं होगा, इंदौर में मैच होगा तो चल जाएगा, भोपाल में मैच हो जाएगा तो चल जाएगा, चेन्नई में चल रहा है, नागपुर में हो रहा है, पुणे में होगा, बाकी जगह, तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में पिछले दिनों में हमने वहाँ पर आयोजन समिति की मीटिंग रखी थी और पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, उसके नाते उन्होंने IG, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, SP, DIG, इन सब लोगों के साथ मीटिंग ली ग्वालियर में, और सब लोगों ने यही वहाँ पर जो जानकारी दी कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता होने वाली है और किसी भी तरीके का एक छोटा सा समूह है जो इस चीज़ को चिल्ला रहा है ग्वालियर में, जो इंदु महासभा के, लेकिन उनके ऊपर भी पुलिस वालों ने उनसे भी बात करी है, उनकी भी मीटिंग हुई है आपस में, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर ऐसा कोई खतरा है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में क्रिकेट का जो, जैसे आपने कहा, जो सूखा था, 14 साल से कोई मैच नहीं हो रहा था, तो बांग्लादेश का मैच दूसरे राज्य से शिफ्ट करके ग्वालियर में BCCI ने दिया है, तो BCCI को भी ये समझ है और केंद्र सरकार को भी समझ है, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियाँ और मध्य प्रदेश की पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा है। सर, लेकिन टिकट बिक चुके हैं, सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से होंगे? यानी क्योंकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी इस मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे, तो सुरक्षा को लेकर कोई अतिरिक्त उपाय MPCA की तरफ से किया गया है? देखिए, MPCA ने तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के IG, DIG, कलेक्टर, SP, इन सब लोगों को आग्रह किया है कि ये ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, इसके बीच में राजनीति को घसीटने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर लगातार सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं, और मुझे आशा है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छे तरीके से और निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छा मैच करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक चुनिंदा लोग हैं जो, जिनका अपना मत हो सकता है, उनका राजनीतिक मत हो सकता है, उनका इंडिया बांग्लादेश के प्रति जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हुए उसके ऊपर एक उनका विचार हो सकता है, उनका मत हो सकता है, वो अपनी जगह सही भी है, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि दो देश क्रिकेट के जरिए पास में आ रहे हैं और किसी भी तरीके का टेंशन देश में कहीं पर भी नहीं देखा जा रहा है, तो ग्वालियर में इस चीज़ को क्यों उकसाना चाहिए किसी को भी? क्रिकेट को क्रिकेट के जरिए होने दीजिए, कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार ने, बांग्लादेश सरकार से भी, नए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनसे भी बात की है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना ये एक मुद्दा है, राजनीति दूसरा मुद्दा है और क्रिकेट तीसरा मुद्दा है। मैं तो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही बात करूंगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, और हम ये अपेक्षा करेंगे ग्वालियर के विभिन्न लोगों से। अब आपने जैसे कहा कि 30,000 टिकट बिक गए, तो पहले 2-3 दिनों में हमने ऑनलाइन टिकट जो भेजे, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है, इसका क्या मतलब है
इसका मतलब वहाँ के स्थानीय लोग क्रिकेट को देखना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टी ट्वेंटी ग्रुप में वहाँ पर बहुत दिनों बाद आ रहा है तो उसका मजा लेना चाहते हैं। और ये ग्वालियर के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सर एक और बात जानना चाहूंगा कि 2010 में आखिरी मुकाबला जो है ग्वालियर में हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका, और वो तो यादगार था क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वहाँ डबल सेंचुरी मारी थी और एक वो यादगार जो है रिकॉर्ड। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को देखने के लिए ग्वालियर के लोग आतुर हैं। उसमें कुछ लोगों को ये समझना चाहिए कि इतना बड़ी संख्या में यदि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, इंदौर से कुछ लोग जा रहे हैं, दिल्ली से लोग आएंगे, तो उनके बीच में किसी भी तरीके का खलल नहीं डालना चाहिए। ऐसी मेरी उनसे विनंती भी है जो लोग हिंदू महासभा या बाकी लोग वहाँ पर जो प्रयास कर रहे होंगे कि मैच न हो, लेकिन ये मैच ग्वालियर की भी शान का मामला है, देश की भी शान का मामला है, तो इस मामले में राजनीति को घसीटना नहीं चाहिए ऐसा मेरा मानना है। सर एक और बात भी जानना चाहूँगा कि क्रिकेट के मुकाबला T20 की शुरुआत जो भारत बांग्लादेश के बीच होगी वो ग्वालियर से होगी, उसके बाद नई दिल्ली में मैच खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले में क्या खास रहने वाला है सर, कैसा यानी जो क्रिकेट फैंस हैं क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में अभी इंडिया को बड़ा हासिल है। देखिए आपने देखा होगा आपने कि अश्विन ने बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी वहाँ चेन्नई में, है ना। वो जब मैच चल रहा था उसी समय ग्वालियर में बैठक चल रही थी उसको लेकर, इंडिया बांग्लादेश के T20 मैच, और T20 का जिस तरीके से स्वभाव है या T20 का फटाफट क्रिकेट का जो मजा है उससे प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर जो देखने आ रहा है, जो टीवी पे भी देखेगा, जो स्टेडियम में भी रहेगा, निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छा। हम पिच अच्छा बना रहे हैं वहाँ पर, स्पोर्टिंग पिच बना रहे हैं। स्पोर्टिंग पिच का मतलब ये है कि खिलाड़ियों को वो हर तरीके से मदद करे, वो चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो या फील्डर्स हो। तो इस तरीके से T20 के मैचेस में जो उत्कंठा होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो वहाँ ग्वालियर में देखने को मिलेगी। सर स्टेडियम में कैसी होगी व्यवस्था बैठने को लेकर, क्या इंतजाम किए गए राइट लेफ्ट सेंटर में? जैसे बाकी जगह पर स्टेडियम में व्यवस्था होती है, अलग अलग जगह पर वहाँ साउथ और नॉर्थ पवेलियन है प्रेक्षकों को बैठने के लिए, मतलब जो क्रिकेट के फैंस है, क्रिकेट के जो प्रेमी है उनको बैठने के लिए गैलरीज की व्यवस्थाएं हैं, कुछ बॉक्सेस हैं वहाँ पर। तो जिस तरीके से बाकी देश के स्टेडियम बनाए गए वैसे ही हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम ग्वालियर में बनाया है, और जिसकी क्षमता आज की तारीख में लगभग 30,000 है। तो BCCI के लोग आएंगे उसमें, बाकी VIPs आएंगे, तो बहुत सुरक्षा जो है बहुत चाक चौबंद है। और माननीय सिंधिया जी ने वहाँ पर IG और कलेक्टर SPDIG इन लोगों को बुला है कि वो खुद भी यदि स्टेडियम में आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 6 अक्टूबर को, तो उनका भी पुलिस फ्रिस्किंग करे, मतलब उनकी भी जांच करे, ताकि किसी भी तरीके का स्टेडियम में अंदर जाने के लिए किसी भी को भी तकलीफ ना हो और किसी भी तरीके का कोई उपद्रवी तत्व स्टेडियम में घुसकर मैच को खराब करने का प्रयास ना करे। सर बीते दिनों जो पानी भर गया था, क्या वो स्थितियाँ सुधर गई है? स्थितियाँ सुधर गई है। पानी जो अचानक वहाँ पर पिछले दिनों हुआ था वो करीब 30-35 वर्षों के बाद में ग्वालियर ने इतना बड़ा मतलब बाढ़ देखी थी। तो आसपास के जो स्टेडियम के पास, स्टेडियम थोड़ा शहर के बाहर है, तो स्टेडियम के आसपास की जो खेत खलिहानों की जगह वहाँ से बहुत सारा पानी वहाँ पर आ गया था। अब पानी बंद हो चुका है और वहाँ का पानी जो डी वाटरिंग मतलब पानी को निकास करने की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले 8-10 दिनों में बहुत तेज़ी से की है। तो इसलिए स्टेडियम का जो ग्राउंड है जहाँ क्रिकेट का पीछे है और ये क्रिकेट का मैदान है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होने वाली थी वहाँ बहुत कीचड़ हो गया था। तो इसलिए हमने उस कीचड़ वाली जगह पर, अदरवाइज जब बहुत धूप होती है तो कड़क जमीन रहती है तो उस पर पार्किंग की कोई इशू नहीं, तो अब हमने उसको पेविंग वगैरह करके ज़्यादा खर्चा करके उस ग्राउंड को भी, यहाँ पर बहुत सारे कार्स और स्कूटर्स वहाँ पर खड़ी रहेंगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे, जो मैच देखने के लिए आए उनके जो लोगों की गाड़ियाँ रहेंगी, उस जगह का पार्किंग जो है अब वो हमने सुधार दिया है। तो हमको लगता है कि मैच बहुत अच्छे तरीके से सफल तरीके से ग्वालियर में होगा। तो ग्वालियर में होने वाले T20 मुकाबले को लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि चौके छक्के लगते हुए आपको वहाँ पर नजर आएंगे। और लेकिन ये बात जरूर है कि क्रिकेट को लेकर टिकट जो है पूरी तरीके से बिक चुके हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूरे मैच का आयोजन होगा। और जैसा खुद अभिलाष जी ने बताया कि जो VIP आएंगे उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, उनको भी जाँच के दायरे से होकर गुजरना होगा। यानी कि अब 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले T20 मुकाबले का सिर्फ इंतजार करना होगा और उसके बाद एक रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। ग्वालियर और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।